दोस्तों ये बात तब की है जब दिल्ली पर मुगल बादशाह अहमद शाह का राज था। बादशाह के दरबार में एक पंडित रहता था। पंडित की पत्नी रोज पंडित को खाना देने जाती थी। एक दिन पंडित की बेटी हरदौल कौर अपने पिता को खाना देने गई और हरदौल जब वापिस गई तो बादशाह ने पंडित से पूछा, तेरी बेटी है क्या? तो पंडित बोला, हाँ बादशाह ये मेरी बेटी है। बादशाह बोला, तूने अब तक ये बात हमसे छुपाई, कोई बात नहीं, पर सुन, हरदौल हमारे दिल को छू गई है, मैं उसे अपनी बेगम बनाना चाहता हूँ। पंडित बोला, हुजूर दया करो, ऐसा मत सोचो, आपकी बेटी के बराबर है। बादशाह बोला, बेटी थी पंडित पर अब कुछ अलग है। पंडित गिड़गड़ाने लगा और बादशाह के पैरों में गिर गया, लेकिन पत्थर दिल में दया कहाँ। बादशाह बोला, सुन, सात दिल में हरदौल का डोला ले लिया जाएगा। पंडित रात को घर पहुंचा और चिंता की लकीरें माथे पर लेकर बैठ गया। पंडितानी और बेटी ने पूछा तो पंडित की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और हरदौल बोली, पिताजी जो हुआ है वह बताओ। पंडित ने अपना सारा दुखड़ा अपनी बेटी के आगे रो दिया तो बेटी बोली, पिताजी मैं यह शादी नहीं करूँगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। पंडित और पंडिताइन की रोते रोते दो रातें निकल गई। सुबह बादशाह के सैनिकों ने पंडित के घर को छावनी में बदल दिया और बादशाह ने आदेश दिया कि पंडित फालतू बोले तो घर को आग लगा देना। एक सैनिक ने बादशाह को सलाह दी, आग लगाने से क्या फायदा, हरदौल को जेल में डाल दिया जाए और मारपीट खा के वो तुरंत राजी हो जाएगी। तो बादशाह ने हरदौल को जेल में डलवा दिया, जहाँ उसे यातनाएं दी जाने लगी। एक भंगी औरत जो कि महल में झाड़ू पोछा लगाने आती थी, वो छुप के हरदौल से मिली। जिस वक्त की ये घटना है तब दिल्ली के आसपास कोई भी राजा उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं था। तब उस औरत ने हरदौल को बताया कि बेटी कोई भी तेरी सहायता के लिए नहीं आएगा, बस एक ही शख्स है, वो है लोहागढ़ का राजा सूरजमल जो जाट का पूत है। तू उसको पत्थर लिख, वो तेरी जरूर सुनेगा। जेल में कलम ना थी तो भंगी औरत एक मोर के पंख का टुकड़ा लाई और हरदौल ने अपने खून से वो पत्थर लिखते लिखते दो आंसू भी पत्थर पर गिरा दिए और औरत को अपने घर का पता बता के पत्थर उसको सौंप दिया। भंगी औरत ने पत्थर पंडित को दिया और कहा, जाओ लोहागढ़ और अपनी बेटी की इज्जत के रक्षक को ये पत्थर पहुँचाओ, जहाँ हर फरियादी की फरियाद सुनी जाती है, जाट दरबार में आपकी भी सुनी जाएगी। तो पंडितानी पत्थर को लेके जाट दरबार में पहुंच जाती है। जाट दरबार सजा हुआ था तो पंडिताइन दहाड़े मार मार के रोने लगी और सूरजमल बोले कि कौन है ये दुखिया, इसकी फरियाद सुनो। तो पत्र पढ़ के राजा सूरजमल को सुनाया गया। बादशाह सूरजमल ने कहा, बस पंडिताइन तू वापस दिल्ली जा और उसके साथ एक वीरपाल नाम का गुज्जर सैनिक भेजा और कहा कि बादशाह को कहना या तो हरदौल को छोड़ या दिल्ली को छोड़। तो वीरपाल गुज्जर मुगल दरबार में पहुंचा। वीरपाल गुज्जर ने वो पत्थर पढ़ के सुनाया तो बादशाह हंसते हुए बोला, हमें मालूम था सूरजमल हमसे जरूर पंगा लेगा। बादशाह ने कहा, सुनो वीरपाल, सूरजमल से कहना जाटनी भी साथ लाए, पंडिताइन तो वो क्या छुड़वाएगा। बस फिर क्या था, वीरपाल ने दरबार में तलवार निकाली और लड़ते लड़ते मुगलों से शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने एक बात कही, तू तो क्या जाटनी लेगो, पर तेरी नानी याद दिला जाएगो, वो जाटनी का जायो है। ये खबर जैसे ही महाराज सूरजमल को मिली, वो आग बबूला हो गए और बोले, आओ हो लोहागढ़ के जाट, मचा दो दिल्ली में लूटम पाट। आज जहाँ गुड़गांव बसा हुआ है, महाराज सूरजमल ने अपनी सेना का वहाँ पे डेरा डाल दिया और एक सैनिक को बोले, बादशाह को कहो जाट बहादुर आए हैं। बादशाह भी अपनी सेना को लेके मैदान में आता है और युद्ध होने लगता है। शर्त के मुताबिक महाराज सूरजमल अपनी पत्नी को भी युद्ध में संग लेके आए थे और उन्होंने तलवार से कईयों की गर्दन उतारी थी। कुछ ही देर में मुगलों के छक्के छूट गए और बादशाह महाराज सूरजमल के पैरों में गिर के गिड़गिड़ाने लगा और सौगंध खिलाने लगा। महाराज सूरजमल का हृदय पिघल गया और युद्ध समाप्त हो गया। हरदौल की शादी महाराज सूरजमल ने खुद अपने पैसे से करवाई और उनका कन्यादान किया। गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।